नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ए टू जेड जानकारी में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए जो भारत में अभी दुखद घटना हुई थी 14 फरवरी को उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मेरा उन सभी को शहीद सैनिकों को सलाम, और मैं यही प्रार्थना करता हूं भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और भारत में हमेशा शांति बनी रहे। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि यह घटना कहां हुई थी। तो सबसे पहले बता दूं कि जो कि जम्मू कश्मीर में एक सेना की टुकड़ी का कन्वे जम्मू से श्रीनगर जा रहा था, तो उसी में अवंतीपुरा के पास जो कि एक हाईवे पर रोड पर पड़ता है वहां पर एक कार में आईडी या बम रखा हुआ था जो कि उससे टकरा गई है और उसमें ब्लास्ट हो गया। तो इसमें आतंकवादियों की साजिश थी, तो ऐसा बताया जा रहा है कि जैसे मोहम्मद ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है जो कि बड़ा आतंकवादी संगठन चलाता है। तो और उसके अलावा बता दूं कि इसमें लगभग 44 जवान अभी तक शहीद हो चुके हैं और कई जवान अभी भी घायल हैं। तो इस पर नरेंद्र मोदी और बड़े बड़े नेताओं ने भी बहुत अपना दुख उस पर मतलब कि व्यक्त किया है और बहुत बहुत से लोगों ने इस पर बहुत ही निंदा की है इस घटना की। विदेशों में भी इस घटना की निंदा हुई है और सभी लोग भारत के सभी लोगों को बहुत दुख है। और इस पर मैं बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने इस पर कहा है कि अब उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है आतंकवादियों ने, अब उनको इसका अंजाम भुगतना होगा। और इसके साथ ही उन्होंने बहुत बहुत आदेश दिए हैं, जैसे कि मैं बता दूं कि भारत में भी बहुत से लोगों ने इसका बहुत विरोध किया है। सब लोगों ने कहा है कि अब हमें बदला चाहिए, अब हम बहुत हो गया सब्र, अब हम यहाँ पर नहीं देख सकेंगे इस तरीके का, अब आतंकवादियों का सफाया जरूरी है। तो बहुत से कि जैसे बहुत से लोगों ने कहा है कि अब देश का टूटा सब्र खोदो पाकिस्तान की कब्र, अब की बार पीओ के पार। और इस तरीके से मैं बता दूं कि पूर्व से पश्चिम तक एक ही आवाज़ उठ रही है, हमला बड़ा है तो बदला भी हम बड़ा होना चाहिए। और इसी तर्ज पर सभी लोग यही आग्रह कर रहे हैं सरकार से, दिल्ली में सरकार से, कि अब बड़ा हमला होना चाहिए और इस तरीके से आतंकवादियों का सफाया होना चाहिए। तो इसीलिए सब लोग अब बस यही चाहते हैं कि अब आतंकवाद को ख़त्म कर दिया जाए और इस तरीके से अब सैनिकों को शहीद ना होना पड़े। बहुत हो लिया, बहुत सब्र कर ली। और इस प्रकार से मैं आपको बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने अभी बहुत सी आदेश दिए हैं, जैसे कि उन्होंने क्या किया कि पाकिस्तान के जितने भी उच्चायुक्त थे उनको तलब कर दिया है और जितने भारत के उच्चायुक्त हैं उनको वापस बुला लिया है, और जो कि अन्य देशों के दूसरे देशों के राजदूत थे उनको बुलाकर पाकिस्तान की जो काली करदूत हैं उनका चिट्ठा उनके सामने खोल दिया है। और इस तरीके से उन्हें बताया है कि देखो मतलब कि इन्होंने कितनी बुरी करतूत की है। और इसके अलावा जो कि भारत की जो सेना है उनको भी अब खुली छूट दे दी गई है कि आप अपना काम कीजिए। और इस तरीके से अब नए नए योजनाएं बनाई जा रही हैं और इस दुर्घटना का अब जो कि इतना बड़ा ये आतंकवादी हमला हुआ है इसका बदला लेने सब लोग सब प्लान सेना प्लान कर रही है। और इस तरीके से अब इस प्रकार से अब बड़ी स्ट्राइक होने वाली है क्योंकि अब इस तरीके के हमले को अब देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और इसी संबंध में आपको बता दूँ कि अब जो कि ये हमला हुआ है इसमें बहुत से राजनेताओं और बहुत से कलाकारों ने बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी इसकी घोर निंदा की है। और इस प्रकार से ये ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत बड़ी अभी तक की घटना है जो कि इस तरीके का आतंकवादी घटना हुई है। और बस अब नरेंद्र मोदी से लोग यही विनती कर रहे हैं सरकार से कि अब जैसे भी हो जल्दी से जल्दी इसका निराकरण किया जाए और अब आतंकवादियों का सफाया किया जाए। तो बस यही सब लोग अब यही चाहते हैं। और इस तरीके से मैं आपको बता दूं कि अब नरेंद्र मोदी ने भी सेना को खुली छूट दे दी है, अब सेना अपना काम कर रही है और प्लानिंग कर रही है। और ऐसा कहा जा रहा है कि अब कुछ ही समय में एक सर्जिकल स्ट्राइक फिर से होगी जिसमें कि आतंकवादियों का सफाया होगा। तो दोस्तों आज की थी ये वीडियो, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो जय हिंद, जय भारत।